हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल करो पर। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारा जो एसएमएस का प्रॉब्लम है, हम जब अकाउंट में अपने में पैसे डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं तो हमको स्टेट बैंक से मैसेज नहीं आता है, तो उस एसएमएस की फैसिलिटी को अवेल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। तो देखिए, मेरी मोबाइल स्क्रीन पर आपको एक एप्लीकेशन दिख रही है जिसका नाम है SBI क्विक। इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम अपना जो SMS फैसिलिटी है उसको इनेबल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे वीडियो में, किस तरीके से उसे करेंगे ये मैं सारा प्रोसेस आपको इसमें करके बताता हूँ। तो बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए, मैंने SBI क्विक पर क्लिक किया, उसके बाद में ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंट सर्विसेज, आप इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है बैलेंस इंक्वायरी। बैलेंस इंक्वायरी, मिनिमम स्टेटमेंट, चेकबुक रिक्वेस्ट, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, लेकिन इन सबसे पहले आपको अपना नंबर रजिस्टर करना होगा SBI क्विक ऐप के थ्रू। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है SBI क्विक में रजिस्टर, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने एक मैसेज बॉक्स खुलेगा, यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर पुट करना है जिसके लिए आपको SMS फैसिलिटी अपनी स्टार्ट करनी है। तो मैं यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर पुट कर देता हूँ। नंबर पुट करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आपके सामने खुलेगी। यहाँ से क्या है, आपको एक SMS भेजना है और ये देखिए प्री टाइप्ड मैसेज आ गया है आपके सामने। ये मैसेज कहाँ भेजना है और किस तरीके का मैसेज भेजना है ऑटोमेटिक टाइप हो गया है, लेकिन भेजने से पहले आपको ध्यान रखना है ये SMS उसी सिम से आपको सेंड करना है जो सिम आपके बैंक में रजिस्टर हो रखी है, जो मोबाइल नंबर आपके बैंक में रजिस्टर है आप उसी से इस मैसेज को सेंड करेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको राइट साइड में जियो दिख रहा है, एक दूसरा दिख रहा है SIM2। तो मेरा SIM2 नंबर जो है वो मेरा रजिस्टर है बैंक में, तो मैं उसके माध्यम से इसको सेंड कर दूंगा। तो मैं SIM2 पर क्लिक कर दूंगा और देखिए ये मैसेज चला गया है। अभी जस्ट इसका रिप्लाई आएगा कि ये नंबर रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए, अभी मेरे को एकदम से रिप्लाई आना चाहिए तुरंत। ये देखिए, मेरे को एक मैसेज आ चुका है, मैं आपको शो करता हूँ। ये मैसेज मेरे को शो हो गया है, डियर SBI कस्टमर, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर SBI क्विक फैसिलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ हमारा नंबर रजिस्टर हो चुका है। अब हम वापस से एप्लीकेशन में जाएंगे। अब एप्लीकेशन में जाने के बाद जैसे कि मेरे को बैलेंस इंक्वायरी करनी है, तो यहाँ पर दो तरीके हैं जिसके माध्यम से आप अपना बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। तो देखिए, बैलेंस इंक्वायरी के सामने लिखा हुआ है कॉल, इंस्ट्रूमेंट जो छपा हुआ है उसके सामने है मैसेज, तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो जैसे कि कॉल का बहुत आसान है, आपको केवल एक मिस कॉल करनी है तो आपका बैलेंस इंक्वायरी जो लेटेस्ट बैलेंस होगा इस अकाउंट में वो तुरंत आपको मैसेज के थ्रू रिसीव हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूं एक बार। मैंने इस पर कॉल किया, इसी नंबर से आपको कॉल करना है जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है। एक मिस कॉल होने के बाद ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको एक मैसेज रिसीव होगा तुरंत, ये देखिए तुरंत मेरे को एक मैसेज रिसीव हुआ है। इस मैसेज में देखिए मेरा बैलेंस आ गया है, अकाउंट बैलेंस इंफॉर्मेशन, इतना मेरा अकाउंट में इसमें बैलेंस है इस डेट को और इस टाइम पे। तो इस तरीके से आप घर बैठे अपने अकाउंट का जो बैलेंस है अगर SMS के माध्यम से चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। दूसरा, आपको अगर चाहिए आपके लेटेस्ट 5 ट्रांजेक्शन, तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है, इस पर इसी तरीके से आप मिस कॉल करेंगे, तुरंत आपको जो आपकी लेटेस्ट 5 ट्रांजेक्शन्स हैं और इंक्लूडिंग बैलेंस आपका तुरंत आपको मैसेज के थ्रू रिसीव हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन बड़ी ही आसानी से आप इनेबल कर सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। इसका भरपूर यूज़ करें, अपना बैलेंस जानने के लिए आपको बार बार बैंक जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। आप जब चाहे दिन में भी उतनी बार आप बैलेंस पूछ सकते हैं, कभी भी SMS के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।